पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से टेस्ट हैं ये वो टेस्ट हैं जो हम नॉर्मल डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं ऐसा डाटा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो उनके ऊपर हम पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं तो जब भी हमने किसी डाटा के ऊपर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि ये चेक किया जाए कि जिस डाटा के ऊपर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या ये स्क्यू डाटा है क्योंकि जो नॉर्मल डाटा है उसके लिए टेस्ट फर्क हैं, और जो स्क्यू डाटा है उसके लिए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस फर्क है क्योंकि अगर डाटा नॉर्मल है तो उसके ऊपर जो हम टेस्ट अप्लाई करेंगे उसको हम पैरामीट्रिक टेस्ट कहेंगे और ऐसे टेस्ट जो के स्क्यूड डाटा के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं उनको हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं अब अगर हम नॉर्मल डाटा की बात करें तो उस पर क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होंगे अब पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं पैरामेट्रिक टेस्ट की बहुत सारी टाइप्स हैं जो कॉमनली यूज होने वाले पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उसके अंदर टी टेस्ट है टी टेस्ट हम दो सैंपल्स के मीन्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर भी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक पेयर टी टेस्ट है और एक टू सैंपल टी टेस्ट है टी टेस्ट के लिए जो सैंपल साइज है वो थर्टी या लेस देन थर्टी होना चाहिए लेकिन अगर सैंपल साइज थर्टी से ज्यादा है तो फिर हम टी टेस्ट की बजाय जी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं टेस्ट भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट है इसी तरीके से अगर हमने दो सैंपल के वेरिएंसेस को कंपेयर करना हो तो दो सैंपल्स के वेरिएंसेस को कंपेयर करने के लिए हम एफ टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से अगर हमारे पास दो से ज्यादा सैंपल्स हैं और इनके मीन्स को हम कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या फिर अनोवा का इस्तेमाल करेंगे और अगर हम दो स्पेसिफिक दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं हम इन दो वेरिएबल्स के दरमियान में फाइंड करना चाहते हैं और इसमें से एक वेरिएबल डिपेंडेंट हो और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो तो उस सूरत के अंदर हम रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे और अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं लेकिन ये इन दोनों ही इंडिपेंडेंट है तो उस सूरत के अंदर हम जो पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे उनमें रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए उसको हम को रिलेशन कहेंगे और को के अंदर जो नॉर्मल डाटा के लिए टेस्ट है उसको हम पियरसन को टेस्ट कहते हैं इसी तरीके से अगर हमारा डाटा नॉर्मल नहीं है वो स्क्यूड है सबसे पहले हमने डाटा की नॉर्मेलिटी चेक की डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करने से हमें पता चला कि यह डाटा नॉर्मल नहीं है यह एसमेट्रिक डाटा है या डाटा है, तो फिर हम ऐसे डाटा के ऊपर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे अब जो डिफरेंट टाइप्स के नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उसके अंदर विलकॉसन साइन रैंक टेस्ट है जो कि पेटी टेस्ट का अल्टरनेटिव है इसी तरीके से हमारे पास टू सैंपल टी टेस्ट का अल्टरनेटिव मैन वाइडने यू टेस्ट है इसी तरीके से हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो कि एक पैरामेट्रिक टेस्ट है उसका जो अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव नॉन पैरामेट्रिक है वो क्रस्कल वैलिस टेस्ट है इसी तरीके से फ्राइडमैन टेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो कि एक मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अब हमने ये कहा कि सबसे पहले हम डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करेंगे अब जो पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं इनको अगर हम कंपेयर करें तो जो नॉर्मल टेस्ट हैं यानी जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं दे मेक अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं दे डज नॉट मेक एनी अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन उसके बाद जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, दे यूज नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज़, जबकि जो नॉन टेस्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर मीन वैल्यू को सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जबकि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है इसके अंदर मीन की बजाय मीडियन का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए जरूरी है कि हमारे पास जिस पॉपुलेशन के ऊपर हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस लगाने जा रहे हैं उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मौजूद हो लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए पॉपुलेशन का जो बैकग्राउंड है उसको जानना जरूरी नहीं होता तो अगर हम इसको समराइज करें तो पैरामेट्रिक टेस्ट नॉर्मल डाटा के लिए हैं और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वो स्क्यूड डाटा के लिए हैं जो नॉर्मल डाटा है वो नॉर्मल शेप कर्व को फॉलो करता है जबकि जो स्क्यू डाटा है वो नॉर्मल शेप कर्व को फॉलो नहीं करता